राइट जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक होंगे। और लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक कवर हुआ था, ठीक है, जो कि अनफॉर्चुनेटली लेट हो गई थी, जो सैटरडे को मेकअप हुआ था, उसमें हमने बेसिकली जो डिस्कस किया था वो था कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, कि बेसिकली अगर हम कंप्यूटर को एक अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं या कंप्यूटर को कोई हम ऑर्डर देते हैं, तो वो कंप्यूटर उसको कैसे ट्रीट करता है और उसका फ्लो बेसिकली क्या होता है। क्योंकि हम एट टॉप एंड तो हमें ये लग रहा होता है कि हम लोग जैसे हमने एक क्लिक किया और एक एक्शन परफॉर्म हो गया या हमारा काम हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं डबल क्लिक किया, जूम की एप्लीकेशन खुल गई, डबल क्लिक किया तो कोई मेरा सॉफ्टवेयर रन हो गया। लेकिन बैक या एट एंड लेवल तो आपको बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं कि पीछे आपकी मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस चल रही होती हैं, ठीक है, बंच ऑफ इंस्ट्रक्शंस चल रही होती हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस बेसिकली आपकी कंप्यूटर को बता रही होती हैं कि आपने करना क्या है, ठीक है, या आपके सिस्टम को गाइड कर रही होती हैं कि उसको करना क्या है। तो ये बेसिकली हमारा लास्ट टाइम का एजेंडा था। अगर कोई स्टूडेंट क्लास किसी वजह से नहीं ले सका था तो वो रिकॉर्डेड सेशन देख सकता है, रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी थी यूट्यूब की जो शेयर्ड वो है उसके ऊपर, LMS पे भी इंशाल्लाह। वैसे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक तो शेयर कर दिया था, लेकिन मैं वीडियो वाइज वर्जन भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से या आज से कोशिश करूँगा अगर मौका मिला। क्योंकि आज एक्चुअली मेरी दो क्लासेस होती हैं तो थोड़ा टाइम शॉर्ट होता है, बैक टू बैक क्लास होती है, तो अपलोड करते हुए ये चीज़ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो इस चीज़ को हमने नहीं देखा था। तो रिकॉर्ड जो स्टूडेंट्स क्लास नहीं ले सके थे तो वो लोग काइंडली रिकॉर्डेड सेशन देख लें, ठीक है, तो उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर कोई अनसर्टेनिटी हो तो वो भी पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में हमने जो हमारा लास्ट सेशन था बस वही बेसिकली हमारे कोर्स का पार्ट है, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं आप जो हमने जिस तरीके से अगर एरिया वाइज कंप्यूटर साइंस के एरियाज में अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, अपने प्रॉब्लम को या कंप्यूटर साइंस की पूरी फील्ड को, तो उसके लिहाज से हमारा जो फर्स्ट एरिया जो हमने कवर किया वो डेट वाज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्सेप्ट को ग्रेस किया और उसके अकॉर्डिंगली हमने चीज़ों को एडॉप्ट किया, लर्न किया और उसके लिहाज से हमने काम किया। इसी तरीके से जो नेक्स्ट थिंग हमने एक्सप्लोर करी थी, जो दूसरी चीज़ हमने एरिया एक्सप्लोर किया, डेट वॉज कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कि इंटरनली जो कंप्यूटर को हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होता है, कंप्यूटर उसको ट्रीट कैसे करता है, बाइनरीज में कैसे कन्वर्ट होता है, एक इंस्ट्रक्शन कैसे ऑपरेशनल कोड से हम कैसे उसको गाइड करते हैं कि काम क्या करवाना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी थी लास्ट क्लास। आज का जो बेसिक पर्पस है जिसको हम डिस्कस करेंगे, डेट इज एल्गोरिथम्स एंड सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट्स। इन चीज़ों को आज हम कोशिश करेंगे डिस्कस करें और कुछ एग्जांपल्स होंगी उनकी प्रैक्टिस हम लोग साथ साथ करेंगे, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट हैं इसके तो वो हमें क्लियरली वो कॉन्सेप्ट्स ग्रेस्प हो जाएं और इनकी डिटेल्स हमें सही से समझ आ जाए। क्योंकि एल्गोरिथम्स की डेफिनेशन और एक छोटी सी एग्जांपल तो हमने स्टार्टिंग में करी थी जब हमने कोर्स को स्टार्ट किया था, लेकिन अब उसमें और डीपर जंप करेंगे इंशाल्लाह आज, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर तक जिन्होंने लिया था, अब जिसने नहीं लिया उसको तो मैं नहीं कह सकता, जिसने लिया था सेशन तो उन स्टूडेंट्स को किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो अभी तक हम लोग जितना भी कवर कर चुके हैं तो वो पूछना चाहे तो पूछ लें, कोई क्यूरी हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो। और एक और चीज़ डिस्कस करनी है वो ये थी कि प्रोजेक्ट्स के लिहाज से क्वेश्चंस कर रहे थे बच्चे कुछ कि HTML फॉर एग्जाम्पल बना सकते हैं प्रेजेंटेशन, CSS के ऊपर बना सकते हैं प्रेजेंटेशन, तो बना तो सकते हैं उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उसमें कोई एस्पेक्ट उसका सही से क्लियर आप समझाएं कि उसका यूजेज तो आप बता देंगे। मिसाल के तौर पर CSS उसका स्टाइलिंग का काम है, HTML वो स्केलेटन प्रोवाइड करती है, लेकिन उसका CSS के अंदर कंट्रीब्यूशन क्या है, तो ऐसी कोई चीज़ लें जिसका IICT से ज़्यादा वास्ता हो, ठीक है, IICT से रिलेटेड हो तो ज़्यादा बेहतर है।
यानी कंप्यूटर साइंस की जितनी भी डोमेन्स हैं उन डोमेन्स में से किसी भी एक डोमेन को आप टारगेट करके उसका एक टॉपिक ले लें। मिसाल के तौर पे आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर लिया, उसमें इंस्ट्रक्शन साइकिल को आपने समझा दिया जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ने बाइनरी मल्टीप्लीकेशन का टॉपिक ले लिया, एक स्टूडेंट ने बाइनरी डिवीजन का टॉपिक ले लिया, एक स्टूडेंट ने बाइनरी अर्थमेटिक का वो ले लिया, या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, इस टाइप की चीजें ले लें। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो कोर्स का स्कोप है वो आपको विजन जो है और क्लियर हो जाएगा। अगर आप HTML वगैरह CSS में बनाना चाहते हैं तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरी नज़दीक वो भी एक्सेप्टेबल है। कोशिश ये करें कि इंडिविजुअल बनाएं और स्लाइड्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप दो स्लाइड्स के थ्रू समझा सकते हैं तो डेट इज इनफ फॉर मी, आप एक स्लाइड के थ्रू समझाना चाहते हैं डेट इज ऑल्सो इनफ फॉर मी, अगर आप तीन स्लाइड्स यूज करके समझाना चाहते हैं वो भी मुझे मसला नहीं है। तो स्लाइड नंबर ऑफ स्लाइड्स इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे डील करते हैं, आप उसको कैसे लेते हैं, ठीक है। मेरे लिए मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतनी ही स्लाइड्स होनी चाहिए, हाँ लेकिन एक स्टैंडर्ड वे जो है उसके लिए स्लाइड्स बनाने के लिए एक मेथडोलॉजी जो अडॉप्ट की जाती है उसको आप पढ़ लें और उसके लिहाज से बनाएं। हाँ उर्दू में आप बिल्कुल कर सकते हैं, इंग्लिश मेरे हम लोग इंग्लिश का कोर्स ही पढ़ रहे हैं, मैं खुद उर्दू में आधी से ज़्यादा बातें कर रहा होता हूँ, तो मैं आपको ये हरगिज़ नहीं बोलूँगा कि आप लाजमी है कि आप इंग्लिश में समझें। तो आप आपकी फिजिबिलिटी जिसमें आप जिसमें चीज़ें वो करें, तो वो मैं टॉपिक्स वो प्रेफर करूँगा जो कि प्रेजेंटेशन आप जो कोर्स पढ़ रहे हैं उसके रिलेटेड हो तो ज़्यादा बेहतर है, मेरी प्रेफरेंस ये होगी पर्सनली, ठीक है। और प्रेजेंटेशन देनी है आपने मिट के बाद होगी इंशाल्लाह बिफोर फाइनल्स, तो एंड ऑफ कोर्स में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, लेकिन अभी से आप चीज़ें फाइनलाइज कर लें ताकि एंड में आपके पास, क्योंकि कोर्स लोड क्यों आप ऑब्वियसली IICT खाली नहीं पढ़े, इसके साथ चार और कोर्स पढ़े और लैब भी है कुछ कोर्सेज की, तो लैब के भी असाइनमेंट्स होंगे प्रोजेक्ट्स होंगे, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो, तो चीज़ों को साथ साथ मैनेज करके साथ साथ लेके चलेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। हाँ ले सकते हैं बाइनरी टू डेसिमल, तो खैर बहुत आसान हो जाएगा वो तो मैं समझा चुका हूँ, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल ये आप ले सकते हो, जो हमने नहीं करा ना टॉपिक और जो रिलेटेड है वो कर सकते हैं, दो बच्चे एक टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अगेन यही बोलूंगा कि कोशिश करो कि यूनिक हो, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो सेम है तो फिर कोई मसला नहीं, उसको फिर क्वेश्चन आंसरिंग के थ्रू मैं उसको मार्क करने की कोशिश करूंगा, अंडरस्टैंडिबिलिटी आप ही चेक करूंगा कि आपने कितनी अच्छे तरीके से उस टॉपिक को ग्रेस्प किया है या अंडरस्टैंड किया, ठीक है। चलिए जी इतनी डिस्कशन मेरे ख्याल से काफ़ी है इसके ऊपर, और तो ज़रूरत नहीं है, आज हम लोग कोशिश करेंगे हम वाइट बोर्ड को ही ज़्यादातर यूज़ करें, तो चीज़ें हम करेंगे, तो हमेशा ही रीनेम का मसला होता है तुम्हारा, एक मिनट रुको, कर दिया मैंने अलाउ, आप रीनेम कर सकते हैं अपने आप को। अच्छा जो ये वाली बात है ना, कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट का टॉपिक सेम नहीं हो रहा, मैंने जो कमेंट्स का सेक्शन बनाया है ना जिसमें जो मैंने क्वेश्चन किया जहाँ पे आप टॉपिक्स बेसिकली चूज कर रहे हो, वहाँ पे आप लोग अपने दूसरे स्टूडेंट्स के कमेंट्स को रीड कर सकते हो, मैंने उसको इसीलिए इनेबल किया ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि आप लोग टॉपिक सेलेक्ट करते हुए देखें बच्चों ने कैसे टॉपिक्स लिए, तो आप भी उस टाइप में कुछ ले लें। जो स्टैंडर्ड वे है प्रेजेंटेशन बनाने का, अब इसके ऊपर बस ये लास्ट 5 मिनट्स में दे देता हूँ, फिर हम लोग टॉपिक के ऊपर आते हैं, वो डिस्कशन रह जाएगी जो आज का टॉपिक कवर करना है। वे प्रेजेंटेशन के स्टैंडर्ड वे ये होता है कि इसमें पहले तो आप इंट्रोडक्शन होता है हर टॉपिक का, जिस भी टॉपिक में आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं हमेशा उसका इंट्रोडक्शन होता है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं भी आपको जब पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है, सबसे पहले टॉपिक इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि टॉपिक क्या है, उस टॉपिक में हम करेंगे क्या या पढ़ेंगे क्या, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप होता है उसकी इन डेप्थ, आप उस चीज़ को समझाएं, पहले आपने उसको इंट्रोड्यूस करा दिया, एक ओवरव्यू दे दिया आपने, रफ आइडिया दे दिया ऑडियंस को, उस ऑडियंस को रफ आइडिया देने के बाद नेक्स्ट आपका फेज ये होता है कि आप उस रफ आइडिया को आगे फर्दर एक्सप्लोर करें और उसको और इन डेप्थ समझाएं।
जब आप इन डेप्थ इस चीज को क्लियर कर लें, उसके बाद नेक्स्ट फाइनली आप इस चीज जो भी आपने सारी डिस्कशन करी उसको रैप अप करें, ठीक है। और दैट पार्ट इज बेसिकली कंक्लूजन पार्ट। तो आप कंक्लूड करते हैं फाइनली कि आपने जो भी चीज समझा रहे थे या जो भी चीज एक्सप्लेन कर रहे थे, वो फिर फाइनली कंक्लूजन के ऊपर आप उसको वाइंड अप करते हैं। इस तरीके से प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं। स्टैंडर्ड वे भी यही है, मतलब इंटरनेशनली भी कहीं पे भी आप प्रेजेंटेशन को, उसका यही तरीका होता है कि आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हो। इंट्रोडक्शन के बाद आप नेक्स्ट फेज आपका होता है सिंपली कि आप उसको इन डेप्थ थोड़ा सा एक ओवरव्यू देते हैं और यहाँ इन डेप्थ कोई एग्जांपल के साथ उस चीज को समझाते हैं और उसको फाइनली आप कंक्लूड करके उस चीज को वाइंड अप या रैप अप करते हैं, ठीक है। तो इसी मेथोडोलॉजी को आप लोग फॉलो कर लें तो डेट वुड बी फाइन, डेट वुड बी ग्रेट, ठीक है। और वैसे भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस अगर आप थोड़ा सा सर्च भी करोगे ना, तो आपको स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस के बारे में थोड़ा सा वैसे भी गाइड भी मिल जाएगी। कोई ऐसी ये हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। अगर कहीं पे कोई स्टक हो तो वो हेल्प के लिए आपस में भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मुझसे कोऑर्डिनेट करना चाहे मुझसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितनी हेल्प कर सका करूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल फोकस ये कि आप लोग टॉपिक फाइनल कर लें। प्रेजेंटेशन तो कोर्स के एंड में हो रही होगी, ठीक है। तो कोर्स फाइनल हो, टॉपिक फाइनल होगा तो उस वक्त प्रेजेंटेशन के ऊपर बात करने में आपकी भी क्लैरिटी होगी, मेरी भी क्लैरिटी होगी, ठीक है। ऑल राइट, चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, टॉपिक्स लिख देता हूँ मैं जिनसे जिनको आज हमें डिस्कस करना है। एल्गोरिथम्स, इन टॉपिक्स को इंशाल्लाह आज हम लोग कोशिश करेंगे इनको कवर करने की, ठीक है। हो सकता है कोई एक आध टॉपिक इतना डिटेल में ना हो सके, तो उसको हम देख लेंगे किसी और क्लास में, उसको या तो फिर एक रिकैप कर लेंगे उसका, या तो उसको कहीं और उसकी जो एग्जांपल को मैप कर लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो एल्गोरिथम के बारे में मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर किया हुआ है। व्हाइट बोर्ड आपके सामने नहीं आ रहा, मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर किया हुआ है आप लोगों से, के सामने आ रहा है, शो हो रहा है। व्हाइट बोर्ड पे लास्ट टाइम लेक्चर लिया था तो स्टूडेंट्स को ज्यादा बेहतर इसका व्हाइट बोर्ड लगा था, तो इसलिए मैंने अपनी मेथोडोलॉजी स्लाइड से व्हाइट बोर्ड के ऊपर कर दिए। जो भी लिखना हो तो वो व्हाइट बोर्ड पे टाइप कर देता हूँ या लिख देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, अच्छा जी, अच्छा ठीक है, काफी है, काफी इतना रिस्पॉन्स काफी है, ओके। एल्गोरिथम्स की जब डेफिनेशन की बात करी थी तो मैंने बोला, मैंने डेफिनेशन ये बोली थी, एल्गोरिथम्स आर द वे और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी मैंने ये डेफिनेशन बेसिकली इंट्रोड्यूस कराई थी कि एल्गोरिथम्स आर द वे और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। यानी एल्गोरिथम्स को हम हमेशा जब यूज कर रहे होते हैं, जब हम कोई ना कोई कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, या हर कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास एल्गोरिथम होता है। ये मैंने कंप्यूटेशन का वर्ड इसलिए ऐड किया था कि हम लोग ज्यादातर कंप्यूटर्स के थ्रू कैलकुलेशन ही कर रहे होते हैं। इवन आप अगर एक चीज कोई ड्रॉ कर रहे हो, मिसाल के तौर पे ये मैं एक चीज मैं आपके सामने टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, तो टाइप करने के लिए भी पीछे कुछ ना कुछ कंप्यूटेशन हो रही होगी। मैं बोल ही नहीं रहा था तो आवाज कहाँ से आएगी, नेट डिसकनेक्ट हो गया था तो उसको रिकनेक्ट किया है, फर्स्ट टाइम जब कनेक्ट करो तो इशू होता है। अच्छा जी, सॉरी, मैं दोबारा से जल्दी से वो ये बुक में है, चैप्टर नंबर बताता हूँ मैं, चैप्टर नंबर 6 है 5 है एल्गोरिथम्स का, बुक के अंदर चैप्टर नंबर 5 है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, एल्गोरिथम। और फ्लो चार्ट्स, इन बेसिकली चीजों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है।
और एल्गोरिथम्स की डेफिनेशन अगेन लिख देता हूँ मैं जल्दी से. एल्गोरिथम्स स्टेप रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब का मैंने वो बनाया हुआ है, वो एक प्लेलिस्ट बनाई भी है, उसको मैंने शेयर किया हुआ है आपकी गूगल क्लासरूम पे, तो वहाँ पे अपलोड हो रहे हैं हर लेक्चर. ठीक है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो. डाउनलोड करना चाहो, देखना चाहो तो यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर कोई भी यूज़ करके आप वीडियो उसकी डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, ऑलरेडी right. अच्छा, मिसाल के तौर पे मैंने जो डेफिनेशन इंट्रोड्यूस कराई थी एल्गोरिथम्स की, वो ये कराई थी कि एल्गोरिथम्स आर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम. तो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम क्या होती है? ठीक है, नॉर्मली हम कंप्यूटर्स को जब भी यूज़ कर रहे होते हैं तो किसी ना किसी कंप्यूटेशन के लिए ही यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, मिसाल के तौर पर एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, या इवन हम जैसे मैं भी टाइप कर रहा हूँ तो ये भी एक कंप्यूटेशन ही है. कंप्यूटेशन किस सेंस में है कि जब हम कोई भी की प्रेस करते हैं तो इस की के अगेंस्ट में एक कोड जनरेट होता है. ठीक है, और वो कोड बेसिकली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है. ठीक है, और मशीन लैंग्वेज में यानी जीरो इन बाइनरीज में कन्वर्ट होता है, और बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद कंप्यूटर उसको बेसिकली वो करता है, यूज करता है. ठीक है, तो अगर मैं कोई भी चीज क्लिक कर रहा हूँ या टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपकी एक तरीके से कंप्यूटेशन ही परफॉर्म हो रही है, जो कन्वर्जन बैक पे हो रही है तो वो भी एक कंप्यूटेशन है. इस वजह से मैंने जो एल्गोरिथम्स की डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करी वो यही करी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम. अच्छा, कंप्यूटेशनल की मैंने स्पेलिंग थोड़ी सी गलत कर दी है तो उसको इग्नोर करिएगा, ATION होगा. अच्छा जी, तो नेक्स्ट थिंग जो लिखी हुई है दैट इज सूडो कोड. ठीक है, तो सूडो कोड की डेफिनेशन क्या है वो भी इंट्रोड्यूस करा दी जाए. सूडो कोड आर द वे वी एक्सप्रेस एनी प्रॉब्लम ग्रामेटिकली. अच्छा, ये डेफिनेशन है कहीं से मैंने बुक से नहीं ली, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ. तो सूडो कोड में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ठीक है, कि सूडो कोड के अंदर हम लोग अपने प्रॉब्लम को, जिसका भी प्रॉब्लम का हमने एल्गोरिथम बनाया है. ठीक है, एल्गोरिथम के अंदर तो हम जो एल्गोरिथम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं उसके लिए हम नेचुरल लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं. नेचुरल लैंग्वेज यानी इंग्लिश, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस होती हैं. ठीक है, तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखते हैं जिससे हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो ये काम तो एल्गोरिथम्स में होता है. तो स्यूडो कोड कैसे डिफरेंट होते हैं? स्यूडो कोड के अंदर हम उसी एल्गोरिथम का प्रोग्रामेटिकली उस प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करते हैं. मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें हम दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं. ठीक है, तो दो नंबर्स को ऐड करने के लिए स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप अगर एल्गोरिथम उसका मैं लिखना चाहूँ तो फर्स्ट स्टेप होगा टेक टू नंबर्स एज अ इनपुट. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगा सम दीज सम द टू नंबर्स जो एंटर हुए एंड फाइनली शो द रिजल्ट. ठीक है, तीन स्टेप्स होंगे इस एल्गोरिथम के. और अगर इसका मैं सूडो कोड लिखूं तो उसका सूडो कोड प्रोग्रामिंग सिंटैक्स से मिलता जुलता होगा. ठीक है, एक्चुअल प्रोग्रामिंग सिंटैक्स तो नहीं होता, सूडो कोड एक जनरलाइज सिंटैक्स होता है. ठीक है, लेकिन जो प्रोग्रामिंग के अंदर हम सिंटैक्स यूज करते हैं जैसे इफ एंड एल्स स्टेटमेंट है, वेरिएबल्स हैं और स्टार्ट है, एंड है, इस तरह की जो चीज़ें हम यूज करते हैं वो सारी की सारी हम सूडो कोड के अंदर सिंपली यूज करते हैं. और सूडो अच्छा जी, और सूडो कोड के बारे में ये भी आप कह सकते हैं कि सूडो कोड एक लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होता, इसीलिए इसको जनरलाइज्ड वर्जन भी कहा जाता है कि आप एक ही सूडो कोड का
किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग सी शार्प पढ़ रहे हैं तो आप लोग सी शार्प में कन्वर्ट करेंगे। किसी स्टूडेंट ने अगर सी शार्प नहीं पढ़ी, सी प्लस प्लस पढ़ी है, तो वो उसी एल्गोरिथम को सी प्लस प्लस में सॉल्व कर सॉरी स्यूडो कोड को सी प्लस प्लस में कन्वर्ट कर सकता है। इसी तरीके से किसी ने पाइथन पढ़ी है, सी प्लस प्लस या सी शार्प नहीं पढ़ी, तो वो पाइथन में स्यूडो कोड को कन्वर्ट कर सकता है। या अगर किसी बंदे को तीनों लैंग्वेजेस आती हैं तो तीनों लैंग्वेजेस में एट अ मीन टाइम उसको कन्वर्ट कर सकता है। तो स्यूडो कोड इज एक्चुअली जनरलाइजेशन ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। तो जो आपका एल्गोरिथम होता है, जो आप एक नेचुरल लैंग्वेज के अंदर या ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर देखते हैं, स्यूडो कोड के अंदर आप प्रॉब्लम को प्रोग्रामेटिकल सेंस में लिखते हैं कि उसको प्रोग्रामर्स या कंप्यूटर साइंस पर्सन उसको बेसिकली अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। ये चीज बेहतर क्लियर होगी इसकी एक एग्जांपल के साथ। एग्जांपल एक हम कर लेते हैं छोटी सी, ये एडिशन वाली एग्जांपल का ही पहले हम बना लेते हैं छोटा सा एल्गोरिथम एडिशन ऑफ नंबर्स। ये मेरा एल्गोरिथम, पहले मैं एल्गोरिथम लिख रहा हूँ, फिर इसका मैं सूडो कोड लिखता हूँ, ठीक है। फिर सूडो कोड लिखते हुए उसकी जो जनरल प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टेप वन, टेक टू नंबर्स एज अ इनपुट, एज एन इनपुट, ठीक है। लेट से ए कॉमन बी, ये दो हमने वो ले लिए, नंबर्स ले लिए। स्टेप टू, एड बोथ नंबर्स एंड सेव इट इन एन अदर वेरिएबल। वेरिएबल का तो आप लोगों को इतना पता चल गया होगा, आप लोग फोर्थ फिफ्थ वीक में आ गए तो सी शार्प के अंदर वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट तो इंट्रोड्यूस हो चुका होगा, ठीक है। तो इसलिए वेरिएबल कोई नई चीज आपको आई होप नहीं लगेगी। स्टेप थ्री, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ वेरिएबल सी। स्टेप थ्री, सेव रिजल्ट, सी डेट इज सी इक्वल्स ए प्लस बी। स्टेप फोर, शो द रिजल्ट, ठीक है। तो एक सिंपल सा छोटा सा एल्गोरिथम लिखा है आपके सामने, ठीक है, जो कि दो नंबर्स लेगा और उन दो नंबर्स को दो वेरिएबल्स के अंदर सेव करेगा, और उसके बाद हम उन दोनों को ऐड करने के बाद एक थर्ड वेरिएबल के अंदर पुट कर देंगे उसकी वैल्यू को, उसके रिजल्ट को सेव कर लेंगे और उसको फाइनली हम शो कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, एल्गोरिथम में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। चलिए जी, अब इसका सूडो कोड लिखते हैं। सूडो कोड हमेशा स्टार्ट होता है एक और एक इसका एंड होता है, ये तो आप पहली चीज लिख लें हमेशा। और हर जो आप सूडो कोड लिखते हैं उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ये इसका बेसिकली एजेंडा है जिसको जो हम इससे बेसिकली करना चाहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग क्या होगी इसमें, अब दो नंबर मुझे लेने, तो अब मैं लिखूंगा इनपुट कॉलन, एक टैब का डिफरेंस कह लें आप, ए एंड बी, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वरना ज्यादा बेहतर तरीका ये है सी, ये एरो है, ठीक है, और ए प्लस बी, ये भी इसको लिखने का दूसरा तरीका है,
इनपुट लें दो नंबर ए और बी, या इसको खाली आप यूं भी कर सकते हैं, इनपुट ए कॉमा बी, ठीक है। एग्जाम्पल ए की वैल्यू हमने सेट कर दी 5, बी की वैल्यू सेट कर दी हमने कोई भी 6 ले ली। देन नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा एल्गोरिथम का, एड बोथ नंबर एंड सेव इन टू सी, ठीक है। तो सेव, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, सी ए प्लस बी, ठीक है, सेव कह लें इसको, स्टोर कह लें या रिजल्ट कह लें इसको, ज्यादा बेहतर होगा रिजल्ट। और शो रिजल्ट, ठीक है। मैंने ओप की क्लास और उसकी क्लास, ओप की क्लास का टाइम अलग है, ओप के लिए तो वो है, ओप के टाइम में आप लोग कनेक्ट हो गए, आप ओप के स्टूडेंट हो साथ। प्रोजेक्ट आइडेंटिटी क्लास तो 12 बजे से 3 बजे तक है ना, तो मैं लिंक सेम यूज करता हूँ इसलिए मैंने शेयर किया है, तो मैसेज तो सेम होगा। आप ओप में हो, मोहम्मद साद खान, तो अभी आपकी क्लास है ही नहीं इस टाइम, क्या कर रहे हो, जाओ अभी आराम करो भाई, 12 बजे क्लास है आपकी, आप 12 बजे कनेक्ट करना, ये तो IICT की क्लास है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। मैं यही बोलूँ, नया नया स्टूडेंट लग रहा है, जो पहले तो साथ नाम का कोई था नहीं, तो भाई ID यही है, लिंक मैं सेम यूज करता हूँ हर मीटिंग के लिए, आप अपने डेडिकेटेड स्लॉट में आओगे ना, इतनी तो आपको सेंस होनी चाहिए ना यार, आपके डेडिकेटेड टाइम क्या है, आपका डेडिकेटेड टाइम 12 to 3 है, आप तो उस टाइम में आओगे ना, 12 to 3 होती है, 12 to 2:50 होती है, 3:50 तक होती है, जब तक होती है क्लास उस वक्त तक लोगे, तो 12 बजे आपकी क्लास शुरू, आप भी डिस्कनेक्ट करो, अभी आप रेस्ट करो, उस टाइम पे आना, अभी तो IICT क्लास चल रही है, कोई मसला नहीं। मैं यूज लिंक एक ही करता हूँ, ये मैंने बोला था, हो सकता है आपने सुना नहीं हो, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि मैं लिंक एक ही यूज़ करूंगा हर क्लास के लिए, क्योंकि मीटिंग पर्सनल जो आपकी आईडी होती है जूम की, वो एक ही बनती है, एक ही मिलती है आपको, आप वही यूज़ करते हैं, फिर अगर मैं हर दफ़ा चेंज करूंगा ना, तो आप लोगों के पास नया वो आएगा लिंक, कोई मसला नहीं, अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आप क्लास ले सकते हो, वैसे मुझे मसला नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि रेस्ट कर लो अपनी क्लास के वक्त, ताकि आप काम कर सको, अगर उसमें एक्टिविटी हो तो आप उस वक्त परेशान ना हो, अगर अभी क्लास कंटिन्यू लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मुझे मसला नहीं है, लेकिन फालतू के सवाल नहीं करना, कोई काम का सवाल हो तो वो करना, जिससे ये स्टूडेंट्स भी सीख सके, क्योंकि आप ये कोर्स पढ़ चुके हो तो आपके लिए हो सकता है फ्रूटफुल हो चीज, ठीक है। खैर, तो ये इसका सूडो कोड हमने एक छोटा सा लिख दिया, ठीक है। हमने क्या किया, स्टार्ट किया, स्टार्ट में हमारा एल्गोरिथम क्या, सूडो कोड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, अपना ऑब्जेक्टिव बता दिया, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, इनपुट क्या है, ए है और बी है, उनकी वैल्यूज यहीं पर असाइन कर दी, ठीक है। रिजल्ट के नाम से एक और वेरिएबल बनाया, ठीक है, या आउटपुट कह दें इसको, ठीक है, जो भी कह लें आप, सी के अंदर ए की और बी की वैल्यू असाइन कर दी, असाइनमेंट के लिए हमने ये यूज कर लिया। अच्छा, यहाँ पे भी असाइनमेंट के लिए ये वेरिएबल यूज होना चाहिए, क्योंकि सूडो कोड की टर्मिनोलॉजी के अंदर असाइनमेंट इस तरीके से होती है, वो यूं भी कर सकते हैं हम लोग। और अगर कोई टाइप डिफाइन करना चाहे तो वो भी कर सकता है, लेट्स से इंट, इंट मींस इंटीजर, ठीक है, तो ये भी होगा। नहीं, सूडो कोड और एल्गोरिथम मिलते जुलते होते हैं, लेकिन एक ही नहीं होता, सूडो कोड इज मोर लाइक प्रोग्रामेटिक सिंटैक्स थोड़ा सा होता है, जबकि एल्गोरिथम के अंदर हम लोग हमेशा नेचुरल लैंग्वेज के अंदर वही चीज लिख रहे होते हैं। नेचुरल लैंग्वेज का मतलब ये कि ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो,
हमारी उर्दू है, इंग्लिश है, फारसी है, अरेबिक है, जो स्टूडेंट्स यहाँ जहाँ जो भी आप लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हो उस लैंग्वेज में लिखो तो वो होती है। सूडो मीन्स फेक, एक का मुझे नहीं पता, वो किसी वर्ड के सेंस में आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो क्या किया मैंने, अगेन इस चीज को रिपीट कर देता हूँ फिर ये सॉरी एडिशन हमने करी सिंपली। ठीक है, और एडिशन करने के बाद हमने एक जर्नलाइज्ड अपनी लैंग्वेज के अंदर हमने काम कर लिया। ठीक है, और स्टेप्स करने के बाद, ठीक है, स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद हमने सूडो कोड बना लिया उसी का। ठीक है, और स्टार्ट होगा, एंड होगा, जो भी आप काम करो, एक्शंस परफॉर्म करना चाहते हैं वो एक्शंस होंगे। ठीक है, तो ये सारे एक्शंस हमारे आ गए, हम लोग करना क्या चाह रहे थे। ऑब्जेक्टिव हमारा एडिशन ऑफ टू नंबर्स था, इनपुट लेगा हमारा जो सूडो कोड है या एल्गोरिथम है। ठीक है, एक ए है, एक बी है, उसकी वैल्यू असाइन कर दी, और रिजल्ट का नाम से एक वेरिएबल बना लिया या रिजल्ट का पार्ट एक बना लिया, पोर्शन बना लिया, एक प्रोसीजर बना लिया, और उसके अंदर सी नाम के वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यूज को सेव कर दिया। ठीक है, असाइन कर दिया, और फिर फाइनली हमने रिजल्ट उसका शो कर दिया। बिल्कुल, साथ ने जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि सूडो कोड के अंदर सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स में प्रोग्राम को समझाना होता है, और बाकी एल्गोरिथम में आप नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं। तो सूडो कोड आपको कभी कभार ये भी हो सकता है कि आपको किसी लैंग्वेज के सिंटेक्स में मिले, लेकिन जो जनरलाइज वर्जन ऑफ सूडो कोड होता है उसमें लाजमी नहीं आप कोई लैंग्वेज यूज करें। ठीक है, आप अगर जनरलाइज एक सूडो कोड लिख रहे हैं, क्योंकि सूडो कोड होता ही जनरलाइज है, तो आप लैंग्वेज स्पेसिफिक सूडो कोड नहीं लिखते। अगर लैंग्वेज स्पेसिफिक लिख देंगे तो वो फिर उस लैंग्वेज का कोड कहलाएगा या उस लैंग्वेज का सिंटैक्स कहलाएगा। लेकिन अलग अलग अप्रोच होती है, कुछ लोग इस चीज़ को एक किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स के ऊपर लिखते हुए चलते हैं, कुछ जनरलाइज अप्रोच के ऊपर वर्क करते हैं। तो बेहतर यही है कि आप जर्नलाइज के ऊपर रहें, क्योंकि आप अगर एक सूडो कोड लिखेंगे तो वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो सकता है अगर जर्नलाइज आप लिखेंगे। अगर आप लैंग्वेज स्पेसिफिक लिखेंगे तो हो सकता है वो हर लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट ना हो सके। ठीक है, और डेट इज बेसिकली डिफरेंस। ठीक है, रिजल्ट की जगह आप शो की जगह प्रिंट भी लिख सकते हो, बिल्कुल ये भी हो सकता है। बार बार ये मैं इसको इसलिए वो कर देता हूँ। इसको शो भी कह सकते हो, इसको प्रिंट भी कह सकते हो अगर प्रिंट करवाना चाहते हो। ठीक है, तो प्रिंट रिजल्ट, रिजल्ट जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा, आपका एल्गोरिथम यहाँ पे एंड हो जाएगा। शो भी लिख सकते हैं, प्रिंट भी लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो डिफरेंट आपको एग्जांपल्स मिलेंगी जिनके ऊपर आप इस टाइप का कुछ ना कुछ काम बेसिकली परफॉर्म कर रहे होंगे। अगर मैं थोड़ी सी बुक की बात करूं तो बुक के अंदर भी इसी टाइप को यूज किया गया है। मैं एक मिनट कंफर्म भी कर देता हूं आपको। इसी इसी टाइप के सेंटेक्स बुक के अंदर भी इसी प्रैक्टिस को फॉलो किया गया है जो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जो हमने करी है जर्नलाइज्ड वर्जन के ऊपर। सो अभी मैं सेशन रिस्टार्ट करता हूँ। यहाँ तक अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ ले, कोई चीज़ क्लियर ना हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो पूछ सकता है। सब चीज़ें क्लियर है, कोई मसला? गुड है, अच्छी बात है। चलो जी, मैं सेशन रिस्टार्ट करता हूँ 1-2 मिनट में, फिर आप लोग रिकनेक्ट कर लें। सेम आईडी, सेम पासवर्ड। ऑलराइट।